सभी का स्वागत है। जमशेदपुर में डेंगू ने अपना पांव पसार लिया है। जिसको के सर्वे के अनुसार 1550 घरों में डेंगू का लहर पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींदें उड़ी हुई है। जमशेदपुर में डेंगू ने अपना पांव पसार लिया है। जिसको के सर्वे के अनुसार 1550 घरों में डेंगू का लहर पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींदें उड़ी हुई है। वहीं टाटा स्टील प्रबंधन ने भी डेंगू से निपटने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस शहर में गंदगी का अंबार लगा है और गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर पनप रहा है, ऐसे में जरूरत है साफ सफाई की। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया मोटी रकम पाने के लिए लगा है तो मानगो नगर निगम कमीशन पर काम कर रहा है। वहीं जुगसराई नगर पालिका का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि पैसा आपके पास है तब आप काम कराएं। अब सवाल यह उठता है, जो मूलभूत सुविधा इस नगर निगम और नगर पालिका को देना है वह क्यों नहीं दे रही है? जिस काम के लिए नगर निगम और नगर पालिका बनी वह काम तो कर ही नहीं रही है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नाली का पानी सड़क पर बह रहा है। यही कारण है कि शहर में डेंगू पनप गया है। ग्रामीण क्षेत्रों का भी हाल बेहाल है। भले ही वार्ड बन चुका है लेकिन वार्ड कमिश्नर का जो काम है वो काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ ठेकेदारी के पीछे लगे हुए हैं। अब ऐसे सवाल उठता है कि इस महामारी से कैसे निपटेंगे? तो मलेरिया डिपार्टमेंट द्वारा वो किया जाता है, उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। सुपरवाइजरी स्टाफ हमारे रहते हैं, जो हमारे स्टाफ जो है वो ले जाके घुमा देते हैं और जहाँ से भी कोई कंप्लेन आया या कुछ आया, ऐसे तो रेगुलर सभी जगह उनको वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई विशेष जो आया, जो कंप्लेन आया है जो मेरे पास डायरेक्ट मेरे कार्यालय में आया, तो इसलिए एक सुपरवाइजरी स्टाफ दे देते हैं हम, वो घुमा के वो करा देता है। वैक्सीनेशन देखिए, वैक्सीनेशन वगैरह हैं उसको सुव्यवस्थित करने का वो प्रस्ताव ऑलमोस्ट रेडी हो गया हुआ है, उसमें वो करवाई हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत।